नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से इसराइल फलस्तीन और उसके बहाने दुनिया भर की राजनीति का कस्सा लेकर, दुनिया भर की राजनीति का अपडेट लेकर। पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, मैं इस समय लंदन में हूं, बगल में पेरिस, पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, सारे होटल्स भरे हुए हैं, सारी भीड़ भाड़ है और इसका फायदा उठाने के लिए इसराइल ने एक बेहद गंदा खेल रचा। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक आदमी है जो हमास जैसे कपड़े पहना हुआ है, फलस्तीनी कैफिया लगाया हुआ है और टूटी फूटी अरबी में बोल रहा है। और उस बोलने का जो अनुवाद है, जो मतलब है, वो ये है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमास जो है वो ये धमकी दे रहा है कि पेरिस में जो ओलंपिक चल रहा है वहां जो लोग आए हुए हैं वहां वो कुछ गड़बड़ी करने वाला है, कुछ लोगों को मारने वाला है, वगैरह वगैरह। अब ये वीडियो आया, इस वीडियो को इसराइल की जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उन्होंने प्रमोट भी किया, चलाया भी, ट्विटर पर वायरल करने की कोशिश हुई, बहुत सारा तमाशा हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में ये पता चल गया, ये बात बाहर आ गई, हमास ने बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी किया और उसकी भाषा से बाकी सारी चीजों से लोगों ने पता लगा लिया कि ये कम से कम हमास का वीडियो नहीं है। अब किसका वीडियो है ये पता लगाने की जिम्मेदारी तो इसराइल की खुद की है, जो प्रमोट कर रहा था, जिसके लोग प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी पता नहीं चलेगा। दरअसल फेक न्यूज, फेक वीडियोस, फेक मैसेजेज और फेक चीजों के मामले में इसराइल का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुसाद का, इसराइल का जो पूरा मॉडल है वो सूचना वार, जिसको हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन वार जिसको कहते हैं, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और ऐसा ही खेल करने की इस बार भी कोशिश की गई। आप सोचिए इसके पीछे मंशा क्या थी। इसके पीछे एक सीधी सी मंशा ये थी कि लोगों का ध्यान इसराइल में जो कुछ कर रहा है फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, वहां से हटाकर इस बात पर केंद्रित करने में कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और वो पेरिस में जो ओलंपिक चल रहा है उस ओलंपिक को डिस्टर्ब करने के मूड में है, वहां पर लोगों को मारने के मूड में है। इन सारी बातों का शोर मचाकर ये कस्सा दबा देना था कि जब ये सब चल रहा है तो पेरिस ओलंपिक के अंदर इसराइल जब गया हुआ है, इसराइल को खेलने दिया गया है, तो एक सवाल पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका अपार्थाइड करता था, साउथ अफ्रीका में काले लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ रंगभेद होता था, उन लोगों को सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, उनके साथ बहुत खराब व्यवहार होता था, उनका क्रूर दमन होता था, ये आरोप लगाकर साउथ अफ्रीका को लंबे समय तक ओलंपिक से बाहर रखा गया, साउथ अफ्रीका को ओलंपिक में भाग नहीं लेने दिया जाता था। लेकिन इसराइल वही सारा कुछ कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, वही अपार्थाइड कर रहा है जिसमें फलस्तीनी लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है, रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित किया गया है, वो फलस्तीनी हैं इसलिए उनके साथ भेदभाव होता है, कई सारी सड़कों पर उनको चलने नहीं दिया जाता है, जब चाहते हैं उनका घर लूट लेते हैं, ये सारा कुछ इसराइल करता है, सारी दुनिया जानती है, स्टेट पॉलिसी है। लेकिन इसराइल को कभी भी ओलंपिक से बाहर करने की बात क्यों नहीं हुई, ये सवाल अब उठ रहा है ओलंपिक के अंदर, कई सारे खेलों में, कई सारे जब चीजें वहां पे चल रही हैं उसके बीच में फलस्तीन के झंडे लहराए गए हैं, नारे लगाए गए हैं, लेकिन इन सारी चीजों पर लोगों का ध्यान ना जाए इसके लिए ये गंदी हरकत की गई है। जब भी मैं कहता हूं इसराइल अपार्थाइड कर रहा है तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बाकायदा बयान दिया था और बयान देकर यह कहा था कि ईरान जो है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है जो धर्म आधारित राज्य है। मुझे इस बात से कोई इनकार भी नहीं है कि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है। जब वहां पे रिवॉल्यूशन होता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद से वो एक थियोक्रेटिक स्टेट की तरह ही चल रहा है, चलिए मान लीजिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है तो इसराइल एक थियोक्रेटिक स्टेट क्यों नहीं है? इसराइल में अगर आप यहूदी नहीं हैं और यहूदी में भी अगर आप जायनिस्ट नहीं हैं, सारे यहूदियों की बात नहीं है, अगर आप जायनिस्ट नहीं हैं तो आपके साथ जो व्यवहार होता है वो खराब व्यवहार होता है, वो गलत व्यवहार होता है, यानी कि जायनिस्टों का कब्जा है इसराइल के ऊपर। वहां चुनाव होता है, निश्चित रूप से चुनाव होता है, चुनाव तो ईरान में भी होता है, लेकिन इसराइल के चुनाव में फलस्तीनियों को वोट देने का अधिकार नहीं है।
तो ये थियोक्रेटिक होना नहीं हुआ, ये धर्म आधारित होना नहीं हुआ। यहां तो आप ज्यू जो यहूदी हैं, यहूदी धर्म का देश होने की बात आप करते हैं, लेकिन जो आपके पॉलिटिकल विरोधी हैं, जो जायनिज्म आपका है उसको नहीं मानते हैं, उनके साथ भी आप दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी भी पिटाई होती है। ट्विटर पर बहुत सारे हैंडल हैं ऐसे जो नॉन जायनिस्ट ज्यूज हैं, आप उनके अगर हैंडल्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इसराइल से किस कदर नाराज हैं। खैर, इन सबके बीच में नेतन्याहू साहब पहुंच गए हैं अमेरिका, और अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिका की जो संसद है, उसके अंदर नेतन्याहू साहब का भाषण हो रहा है। अब ये भी अपने आप में बहुत मजेदार है कि अमेरिका की संसद के अंदर नेतन्याहू कहते हैं कि हमारी जंग आपकी जंग है, हमारी जीत आपकी जीत है। इसका मतलब क्या होता है? इसका एक मतलब तो ये होता है कि इसराइल का जो अपराध है वो अमेरिका का भी अपराध है। इसराइल ने जो बच्चों को मारा है, इसराइल ने जो औरतों को मारा है, इसराइल ने जो पूरी तरह से फलस्तीन को तबाह करने की कोशिश की है, इन सब में अमेरिका भी शामिल है। अगर हार उनकी है, जीत उनकी है, अगर सब कुछ उनका है, तो फिर जो अपराध है वो क्यों नहीं उनका है? फिर आईसीसी ने जो कहा है, आईसीसी जिस तरह से वारंट जारी करने वाला है नेतन्याहू के खिलाफ, उसमें अमेरिका को भी शामिल होना चाहिए। और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ने जिस तरह से साफ साफ अब कर दिया है कि वहां पर अपार्थाइड प्रैक्टिस होता है, वहां पर जो फलस्तीनियों का घर है, फलस्तीनियों की दुकानें हैं, फलस्तीनियों की जमीनें हैं, इनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा होता है, वो भी आपको मानना चाहिए कि आईसीसी की जो रूलिंग है, आईसीजे की जो रूलिंग है, वो जितनी इसराइल के खिलाफ है उतनी ही अमेरिका के खिलाफ भी है, क्योंकि अमेरिका इन सारे अपराधों में इसराइल के साथ हमेशा खड़ा रहा है। अब यहां जब सीनेट में बहस चल रही थी, सीनेट के अंदर जब वो थे, कांग्रेस के अंदर जब वो थे और भाषण दे रहे थे नेतन्याहू, ठीक उसी समय संसद के बाहर, अमेरिकी संसद के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। और मैं आपको बताऊं कि बाकियों ने जो प्रदर्शन किए वो तो किए ही, अमेरिका के यहूदियों ने वहां पर बाकायदा प्रदर्शन किया और कहा कि हमारे धर्म के नाम पर ये जो मार काट कर रहा है नेतन्याहू, हम उसको अलाउ नहीं करते हैं। नेतन्याहू के पुतले जलाए गए, इसराइल के झंडे जलाए गए, एक जगह अमेरिका का झंडा नीचा करके उसकी जगह फलस्तीन का झंडा फहराया गया, और पूरे अमेरिका में और खास तौर पे संसद के आसपास नेतन्याहू का जबरदस्त विरोध हुआ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अपनी इसराइल पॉलिसी के चलते ही जो बाइडेन को आखिरी टाइम पर प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हटना पड़ा, चाहे बहाने कोई भी बनाए जाए, लेकिन असल बात यही थी कि नेतन्याहू को लेकर, इसराइल को लेकर, फलस्तीन को लेकर जिस तरह की नीतियां थी जो बाइडेन की, उसके चलते उनकी पॉपुलैरिटी लगातार कम हो रही थी। और ऐसा लगा इन लोगों को कि अगर ये होता रहेगा, अगर ये चलता रहेगा, तो बहुत सारी संभावना इस बात की है कि बाइडेन चुनाव हार जाए। इसीलिए कमला हैरिस को लाया गया। कमला हैरिस के अलावा भी कई नामों पर चर्चा थी, लेकिन कमला हैरिस को लाया गया। इंडियन मूल की हैं, ब्लैक मूल की हैं, तो ये लगा कि शायद कम से कम ब्लैक लोगों का समर्थन, इंडियन लोगों का समर्थन और बाकी लोगों का समर्थन मिल सकता है। और कमला हैरिस ने बड़ा वाइजली प्ले किया है। कल वो सीनेट से बाहर थी, कल जब नेतन्याहू भाषण दे रहा था तो कमला हैरिस ने उसको अटेंड नहीं किया। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कमला हैरिस का बयान आया है कि वो अटेंड नहीं करेंगी, और कल उन्होंने वाकई अटेंड नहीं किया। और उनके अलावा भी उनकी पार्टी के 40-50 सांसदों ने उस भाषण में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन हिस्सा नहीं लेना एक बात होता है, असल में वहां पर किसी ने प्रतिरोध किया तो रशीदा तालिब है, रशीदा तालिब वहां की सांसद है, वहां की सेनेटर है, वो पूरे टाइम वहां पर रही। उन्होंने फलस्तीनी कैफिया पहना हुआ था और हाथ में एक बोर्ड लिया हुआ था छोटा सा, जिसमें जेनोसाइड की बात लिखी हुई। उसको देखकर मुझे याद आया हिटलर का जमाना, जब हिटलर के सामने सारे लोग झुके हुए थे, एक बहुत बड़ा हुजूम है, एक तस्वीर है जिसमें एक बहुत बड़ा हुजूम है जिसमें सारे लोग हाथ ऐसे आगे करके, जो हेल हिटलर किया जाता था, हिटलर जिंदाबाद किया जाता था, वो सारे लोग कर रहे थे। उसमें एक आदमी था जो कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन चुपचाप खड़ा था, ना उसने अपने हाथ फैलाए थे और ना उसने हेल हिटलर कहा। तो हजारों की भीड़ में किसी को कोई नहीं पहचानता, लेकिन वो एक आदमी जो हिटलर की मुखालिफत में चुपचाप खड़ा हो गया था, उसको आज तक दुनिया याद करती है। कल जब रशीदा तालिब संसद के अंदर अकेले
फलस्तीन के समर्थन में खड़ी थी वो बोर्ड लेकर, तो मुझे हिटलर के जमाने की वही तस्वीर याद आई, उसी तरह का प्रतिरोध याद आया। जो लोग रशीदा तालिब को जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं या हमारे चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं लंबे समय से, उनको पता होगा कि रशीदा तालिब ने संसद के अंदर और बाहर लगातार मुखालिफत की है इसराइल वाली जो नीति है अमेरिका की, जिस तरह से अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है उस नीति की लगातार मुखालिफत की है। और अमेरिका में प्रो पैलेस्टाइन सपोर्ट के, प्रो पैलेस्टाइन जो मूवमेंट है, फलस्तीन के समर्थन में जो मूवमेंट है, उसकी एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है। वो अकेले खड़ी थी संसद के अंदर बोर्ड लेकर, और संसद के बाहर हजारों लोग बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर नारे लगा रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बातें कर रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के पुतले जला रहे थे, झंडे जला रहे थे। उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अब ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के ठीक पहले इसराइल के प्रधानमंत्री को संसद में बुलाकर अमेरिका ने यह भाषण क्यों करवाया? दो कारण हैं बहुत क्लियर। पहला, मैं आपको आईपैक के बारे में बता चुका हूं। AIPAC एक संस्था है जो अमेरिका के अंदर जो लोग हैं चुनाव लड़ते हैं उनको आर्थिक रूप से खूब सहायता करती है, और वो सहायता कीमत होती है इस बात की कि वो इसराइल का लगातार समर्थन करेंगे। तो एक संभावना ये है कि उनको इसलिए बुलाया गया था ताकि बताया जा सके कि हम इसराइल के साथ हैं, और चूंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, पैसों की जरूरत है, तो आईपैक लगातार पैसे पहुंचाता रहे। और इसीलिए कमला हैरिस जब बाहर जाती हैं, संसद में नहीं रहती हैं, तो यहां बैठ के मेरी समझ में अगर आता है तो अमेरिका वालों के समझ में भी ये बात आती होगी कि इसको सिवाय एक नाटक के और कुछ नहीं कहा जा सकता है। कमला हैरिस लगातार न केवल इसराइल के समर्थन में रही हैं बल्कि आईपैक से सबसे ज्यादा पैसा पाने वाली पॉलिटिकल लोगों में है। जो बाइडेन को तो 1 मिलियन के आसपास मिला है, कमला हैरिस को 5 मिलियन यानी जो बाइडेन से भी 5 गुना पैसा आईपैक से मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो इसराइल की कितनी समर्थक हैं, कितनी विरोधी। तो चुनाव के पहले वो भले बाहर चली गई हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उनको अरब्स का भी वोट चाहिए, उनको मुस्लिम्स का भी वोट चाहिए, उनको जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वहां पर जो इसराइल के साथ नहीं खड़े हैं, जो इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, उन सारे लोगों का उनको वोट चाहिए। इसलिए यहाँ पर वो जरूर ये दिखावा कर रही हैं कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का जो लेक्चर था, जो भाषण था संसद के अंदर, उसको अटेंड नहीं किया। लेकिन हकीकत तो यही है कि वो भी लगातार इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। ये जो चुनाव है अमेरिका में, ये बेहद इंपॉर्टेंट चुनाव है। फिलहाल दो कैंडिडेट आपके पास हैं, जो बाइडेन तो हट चुके हैं, जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस है, और सामने ट्रंप है। ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि मैं ज्यादा समर्थन करूंगा इसराइल का, बाइडेन से ज्यादा इसराइल का समर्थन करूंगा। कमला हैरिस के बारे में मैंने साफ साफ आपको बता दिया कि वो आज चाहे जो भी कह रही हो, लेकिन वो हमेशा इसराइल का समर्थन करती रही हैं, आईपैक से उनको पैसे मिलते हैं। तो दोनों कैंडिडेट जो हैं वो बेसिकली इसराइल के समर्थक हैं। यूक्रेन वार के बारे में हो सकता है कि ट्रंप यूक्रेन वार में हस्तक्षेप करके और वहां पर शांति कराने की कोशिश करें, लेकिन मिडिल ईस्ट में वो कुछ क्या करेंगे इसके बारे में अभी से कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी जो चुनाव के पहले सर्वे वगैरह आ रहे हैं उसमें कमला हैरिस और ट्रंप बिल्कुल आगे पीछे हैं, लगभग बराबर हैं, थोड़ी सी बढ़त कमला हैरिस को बताई जा रही है, लेकिन वो कवर हो सकती है, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि आखिरी टाइम में ट्रंप जीत जाएंगे, ट्रंप के जीतने के बाद मिडिल ईस्ट पे क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ एक बात यह है कि वो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी बात है कि पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने उस तरह से जंग की शुरुआत नहीं की, उस तरह से युद्धों की शुरुआत नहीं की जिस तरह से जो बाइडेन ने आते ही युद्धों की शुरुआत की। अब मिडिल ईस्ट का जो पूरा मामला है वो सिर्फ इसराइल और फलस्तीन का मामला नहीं रह गया। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद के अंदर लगभग ये कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। दरअसल नेतन्याहू चाहता है कि अमेरिका किसी तरह से ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दे, और एक बार अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़ देगा, क्योंकि सीधे अमेरिकी मदद के बावजूद सीधे ईरान से जंग करने की हिम्मत अभी बेंजामिन नेतन्याहू में नहीं है। वो जानता है कि ना केवल ईरान बेहद मजबूत है बल्कि साथ साथ ये भी बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी बात है कि ईरान से अगर वो लड़ने जाएगा तो चाइना और रशिया का सपोर्ट ईरान को मिलेगा, जिसका नुकसान इसराइल को उठाना पड़ सकता है। इसलिए वो अमेरिका को कैसे भी इन्वॉल्व करना चाहता है। अब सोचिए अगर अमेरिका उसके कहने पर इन्वॉल्व होता है, ईरान के साथ वार शुरू करता है, तो क्या होगा?
ईरान अपने आप में एटॉमिक पावर है, सब जानते हैं कि एटॉमिक पावर के वो इतने करीब है कि जब भी चाहे एटॉमिक पावर बना सकता है, इसराइल के पास एटॉमिक पावर है। और अगर अमेरिका इसराइल के लिए ईरान के साथ जंग करेगा तो ये मान के चलिए कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़े होंगे। साथ में आप जानते हैं कि ईरान के साथ जंग का मतलब है कि हिजबुल्ला के साथ, हूथी के साथ, हमास के साथ तो चली रही है, ये खुली जंग हो जाएगी जिसमें इराकी मिलिशिया भी आएगा, जहां अमेरिका के खिलाफ काफी सारा असंतोष है। और जब जंग यहां तक पहुंचेगी तो सऊदी अरबिया और बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी इससे बिल्कुल किनारे नहीं रह पाएंगी, इनको भी पक्ष चुनना पड़ेगा, या तो इस तरफ का या उस तरफ का। यानी बहुत सीधी बात है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी पर बचे रहने के लिए एक ऐसी जंग में झोंक देना चाहता है मिडिल ईस्ट को, जो जंग फाइनली एक विश्व युद्ध में, एक पूरी दुनियावी जंग में तब्दील होगी। और अगर वर्ल्ड वार जैसी कोई चीज होती है तो क्या होगा वो बताने की जरूरत आपको नहीं है। चाइना के पास एटॉमिक पावर है, रशिया के पास एटॉमिक पावर है, नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक पावर है, इंग्लैंड के पास एटॉमिक पावर है, अमेरिका के पास एटॉमिक पावर है, ईरान के पास है, इजराइल के पास है, इतने सारे ये एटम बम हैं कि अगर इनमें से एक दो भी चले तो सारी दुनिया तबाह हो, बर्बाद हो सकती है। तो ये होता है जंग का पागलपन, जिसमें नेतन्याहू पूरी दुनिया को तबाह हो, बर्बाद करने पर लगा हुआ है। और उसकी इस बातों पर अमेरिका, जिसको दुनिया का लीडर कहा जाता है, वहां की सीनेट में ठहाके छूट रहे हैं, तालियां बज रही हैं। यानी दुनिया को बर्बादी के कागार पर, दुनिया को बारूद के पर्वत पर, बारूद के ज्वालामुखी पर बिठाकर ये लोग तालियां बजा रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये अभी से बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी एक जंग हुई, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, तो दुनिया जितनी भी बचेगी, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। और दूसरा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, अगर लिमिटेड जंग भी इस तरह की होती है तो एक खतरा उसके सामने ये होगा कि कहीं इसराइल का वजूद ही खत्म ना हो जाए। इसलिए अमेरिकन चुनाव है, उनके रिजल्ट का इंतजार सारी दुनिया को भी है, मुझे भी है, कि नए राष्ट्रपति जो आएंगे, ट्रंप या कमला हैरिस जो भी राष्ट्रपति बनते हैं, वो मिडिल ईस्ट के वार को और बढ़ाएंगे या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सारा दारोमदार इसी पर है। चीन से मैं आपको अपडेट दे चुका हूं कि चीन ने सारे फिलिस्तीनियन जितने ग्रुप्स हैं जो आपस में भी लड़ते थे, उनको बुला के उनकी एकता करा दी है। और ऐसे में आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे जैसे होगा, भले मैं देश में नहीं हूं, बाहर हूं, लेकिन जैसे जैसे ये अपडेट्स होंगे, मैं अपडेट्स लेकर आपके पास आता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो 3 रुपए रोज से भी कम पे मेंबरशिप ले सकते हैं। आप जुड़े रहेंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, तो कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर हम वो सच लगातार कहते रहेंगे जो कहने की हिम्मत गोदी मीडिया की नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।